वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। सागर तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं मम्मी जा रहे हैं घास लेने के लिए, वो भी नीचे दुकान में, क्योंकि आज सुबह 4 बजे से बारिश लगी हुई है यहाँ उत्तराखंड में, काफ़ी ज़ोरों से बारिश लगी हुई है। अब जरा धो करके बारिश हो रही है यहाँ, तो अभी का सीन है मैं मम्मी जा रहे हैं घास लेने के लिए, क्योंकि आज तो गाय बच्चा खुल नहीं सकती है, तो दिन भर इनको घास से ही काम चलाना पड़ेगा, उनको दे के पेट तो भरना पड़ेगा ना। तो गाइस फटाफट चलते हैं, और मम्मी भी आ रही है पीछे से। ये देखो आवाज़ सुनो बारिश की, कैसी बारिश हो रही है यहाँ। बाकी मम्मी भी आ रही है, मम्मी से भी मिलाता हूँ आपको। ये देखो मम्मी का इस लुक देखो तुम, ये देखो मम्मी का लुक, टप हप ढक ढक के आई है एकदम, वो है जादू, जादू बन के आई है धूप धूप वाली। चलते हैं गाइस फटाफट घास लेके आते हैं। हैं तो बन के रहते हैं अच्छा। चलते हैं गाइस और घास लेके आते हैं। देखो अभी मैं रोड में आ चुका हूँ, बारिश के कारण पूरी रोड सुन्न पड़ी है। देखो एक अपना डंपर खड़ा है, बाकी पूरी रोड सुन्न पड़ी है, गाड़ी चल ही नहीं रही है। तो सही भी है यार, गाड़ी नहीं चलनी चाहिए क्योंकि पत्थर तक गिर सकते हैं। बाकी मम्मी ने खोल दिया दरबार, इसके अंदर है हमारी घास। मम्मी लगाती है इसको, बेफिकर बैठा हूँ बस ठंडी हवाओं पर। गाइस मैं आ चुका हूँ घर, घास वास ले ला के, और देखो पूरा भीग चुका हूँ ये, अभी तो ऊपर का नहीं भीगा, नीचे का पूरा भीग चुका है। और मम्मी आ चुका है, और घर आके ब्लॉगिंग नहीं हो पाई, और अभी बना रहा हूँ मैं चाय, और चाची से मिलते हैं अंदर। चाची आज बना रही है प्रोटीन वाली सब्जी, हरी सब्जी जो खेत से तोड़ के लाई थी चाची। अंधेरा हो रहा, फ्लैश लाइट दिखाता हूँ। ये कौन सी सब्जी है? चौलाई। गाइस ये खेत में पाई जाती है सब्जी, प्रोटीन होती है इसमें, प्रोटीन। बरसात के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है ना चाची, बहुत ज़्यादा मात्रा में सब्जी पाई जाती है बरसात के दिनों में, बरसात के मौसम में। हैं हैं खेतों में होने लग गया अभी ये, इतना हो जाता है कि इसको उबाड़ उबाड़ के भैंसों को भी खिलाना पड़ता है। ये देखो चाची ने बना दी बढ़िया से सब्जी ये। बाकी यहाँ बंदे मेरी चाय। मेरे खुराफाती दिमाग में एक आइडिया सूझा है कि मैं रूबी का करता हूँ मेकअप, और रूबी के पैरों में लगाता हूँ मैं नेल पेंट, जो कि मैं ला चुका हूँ। अभी कुछ तो टाइम पास करना पड़ेगा ना, तो इसको यहाँ बांध के रखा है। अब इसका हवा भी नहीं लगने वाली, किसी यहाँ क्या होने वाला, और इसके साथ करते हैं मेकअप। तो गाइस बिना किसी दूरी देरी के स्टार्ट करते हैं रूबी का मेकअप। इस रूबी का फाइनली मेकअप हो चुका है, और ये क्या लग रही है रुबिया। ना मैं अमृत पीना चाहता हूँ, बस जितनी बार जन्म मिले मुझे मेरे भुला, मैं अपने उत्तराखंड में छीना चाहता हूँ। गाइस अभी तक मैं सोया था, और मैंने अपने कमरे में गड़म गड़म की आवाज सुनी, और मुझे नींद भी नहीं आई। और यहाँ देखो शादी की साड़ियाँ, चाची को मिल गई उसकी शादी की साड़ियाँ। चाची कौन सी सन की है? मिली थी तुझे नहीं यार, किसने दी थी, किसने दी थी? ये शादी की है, ये यहाँ की शादी की है, वहाँ की है। बाप रे 90 ऐसे। और नीचे फट गया देखिए। तो गाइस दिन में ब्लॉगिंग नहीं हो पाई क्योंकि बारिश हुई थी, और अभी मैं सो के उठ चुका हूँ। और देखो यार 10 घंटे की बारिश के बाद क्या तगड़ा मौसम लग रहा है यार, लगातार 10 घंटे की कंटिन्यू बारिश के बाद मौसम। देखो यार चेक दिस व्यू गाइस, चेक दिस व्यू, पूरी हरियाली हरियाली देखो ये देखो गाइस, पूरी की पूरी बस्ती है, जहाँ देखो वहाँ तेरी ही दृष्टि है, रहना बस मुझे मेरे ही पहाड़ों पर, नाम तेरे मैंने जिंदगी लिख दी है।
अभी मैं और मम्मी निकालने लग गए हैं मिर्ची की क्यारी में से कुछ पेड़। और ये रही मम्मी लीची खा रही है लीची। और ये रहा नीचे हमारा मिर्ची का, तो इसको फटाफट उगाड़ते हैं, निकालते हैं और फिर जाते हैं ऊपर खेत में मिर्ची लगाने के लिए। तो आपसे थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ गाइस। तो गाइस फाइनली हम खेत में पहुँच चुके हैं मिर्ची लगाने के लिए, और मैं मम्मी और चाची पहुँच चुके हैं फिर से मिर्ची लगाने के लिए। ये देखो चाची खेत का झाड़ हाड़ निकाल लिया अभी, और वहाँ से मम्मी ला चुकी है मिर्ची का वो। ये तो गाइस फाइनली मिर्ची हमने लगा दी है, मैंने और मम्मी और चाची ने फाइनली। लेकिन थोड़ा बहुत अब भी बची गया है, करीबन 10 मीटर एरिया में इतना मिर्ची लगाना बची गया है। क्योंकि अगर हम पहले आए होते, मम्मी ने हमको आधे घंटे पहले अगर हमको मम्मी ने जगाया होता तो अभी तक ये फाइनल हो जाता। और जादू इस बनाई थी यार, यस शिट भाई, यहाँ से लेके वहाँ तक लगाया, अभी दिख नहीं रही होगी आपको मिर्ची है मम्मी। और इसने ये रूबी ने हमारा झड़वा भुगा दिया, झुड़वा वहाँ गया था पेड़ में चढ़ा था, वहाँ से नीचे गिर गया। चलो फिर गाइस चलते हैं, एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल के। चलो बाय बाय।